కొత్తగూడెం ఎన్నికల ప్రచారంలో కేసీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ లో చూద్దాం కట్టాం आज के दिन में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है। बीजेपी को हराने का बीआरएस को हराने के लिए वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। वो दोनों कैसे पार्टियां हैं, कैसे हैं आप जानते हैं। जिस टाइम में मैं तेलंगाना के लिए जद्दोजहद कर रहा था उस टाइम में भी मैं कोत्तगूडेम आया था। उन दिनों में कहा था अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और अल्लाह का करम हुआ तेलंगाना रियासत हासिल हुआ। इसमें सभी लोगों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को, हमारे दलितों को, गिरिजनों को, सबको मैं एक साथ लेके चला, सबके साथ मैंने इंसाफ किया। ये आप जानते हैं आज इस देश में क्या हो रहा है। इस देश को हर हालत में बचाना है, हर हालत में। ये किसी का देश नहीं है, देश में कितने लोग रहते हैं सारे लोगों का ये हिंदुस्तान है, हम इसको जानते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूं आप लोग बीआरएस कायदीन को जिताइए, वोट दीजिए। आपके ताउन से तेलंगाना रियासत को मैं आपको कसम खा के कहता हूं, मैं जब तक केसीआर जिंदा है तब तक तेलंगाना रियासत एक सेक्युलर रियासत ही रहेगा, अमन रियासत रहेगा, सबको साथ लेके चलेगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बात, मैं हर रमजान में आप लोगों के लिए तोहफा भेज रहा था, इफ्तार का इंतजाम किया था। क्या आज रमजान का तोहफा आया? क्यों नहीं आया? क्या क्या इनका कमाल है, समझ जाइए, देख लीजिए। इसीलिए मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि आप लोगों का वोट बीआरएस पार्टी को देके दोनों आप कैंडिडेट को जिताइए। या कविता हो या रामा नागेश्वर राव जी हो, वो अच्छे लोग हैं, तेलंगाना के लड़े से लोग हैं, इसीलिए आप लोग जिताइए। इतना कहते हुए मैं आपसे रुख्सत होता हूं। सोदर लारा मीरंदर गुड़ा अनेक प्रांताल नीचे इटु खम्मम गावच्चु अटु महिबाद गावच्चु मीरिद्दरु वच्चारु, मी अंदरिकि चाला थैंक्स, चाला आवेशपूर्तमैन स्वागतं नाकु तेलियजेशारु। खच्चितंगा ई चारित्रिक संदर्भंलो बीआरएस एंपीलु गेलिस्तेने तेलंगाण नदुल नीळ्ळु तेलंगाणकु दक्कुतायि, సెంట్రల్ నుంచి రావాల్సిన నిధులు తెలంగాణకు వస్తాయి। కాబట్టి దయచేసి ఈ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా ఇద్దరు కూడా బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను, మైబూబాబాద్ నుంచి కవిత గారిని, ఖమ్మం నుంచి నామా గారిని గెలిపించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। నేను ఇందాక ఖమ్మం నుంచి కొత్తగూడెం వస్తా ఉంటే కార్లలో పోయే వాళ్ళు, ట్రాక్టర్లో పోయే వాళ్ళు, జీబులో పోయే వాళ్ళు, ఆటోలో పోయే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇట్లా చూపెడతా ఉన్నారు, జై కేసీఆర్ అని చెప్పి। కాబట్టి మీ అందరికీ నేను ప్రార్థిస్తా ఉన్నా, అయిపోయింది కాంగ్రెస్ కథ, అయిపోయింది బీజేపీ కథ కూడా అయిపోయింది, కాబట్టి బ్రహ్మ